तो हमारे पास हेल्थ एंड वेलनेस के दो टॉपिक्स हैं ऑलमोस्ट एक जैसे मार्केटिंग इन हेल्थ एंड वेलनेस और मार्केटिंग ऑफ फिजियोथेरेपी तो हेल्थ एंड वेलनेस को कैसे मार्केटिंग करना है पहले इसको देख लेते हैं फिर फिजियोथेरेपी को देखेंगे तो मार्केटिंग बेसिकली क्या होती है इस हम अपनी फील्ड के अकॉर्डिंग पढ़ेंगे कि मार्केटिंग किस तरीके से करनी है और क्या होती है तो मार्केटिंग इज अ कलेक्टिव प्रोसेस ऑफ एस्टैब्लिशिंग अ बायर सेल रिलेशनशिप इन विच मीट नीड्स ऑफ द बोथ बोथ पार्टीज एंड एक्सपेक्टेशंस ऑफ बोथ पार्टीज मीट अब इसमें क्या होता है कि एक आप हैं एज ए थेरेपिस्ट हैं आप और या फिर आप हेल्थ एंड वेलनेस के प्रमोटर हैं और दूसरी तरफ सोसाइटी है अब मार्केटिंग में क्या होता है कि हमें वो मार्केटिंग एक प्लेटफॉर्म जो है वो मुहैया करती है या बना कर देती है अरेंज करके देती है जहाँ पर बायर और सेलर की मुलाकात होती है या वो अपनी अपनी नीड्स को मार्केट में डाल देते हैं कि भाई जैसे आपको कोई नीड है फेसबुक पर आपने पोस्ट कर दी कि भाई मुझे जो है ना इसी सेमिनार करवाना है इस टॉपिक पर और मुझे नीड है इस तरीके से तो ये फेसबुक जो है आपका मार्केटिंग टूल हो गया अब आपने एक सर्टेन ग्रुप में पोस्ट की क्योंकि आप जिस शहर से हैं आप उस ग्रुप में पोस्ट करेंगे कि इजीली कोई बंदा अवेलेबल हो जाए अब आपकी पोस्ट जो है वो आगे रीच नहीं हो रही तो फिर आप क्या करेंगे कि उस फेसबुक पर एक उसको प्रमोट कर देंगे थोड़े से पैसे लगाकर और आपकी वो पोस्ट उस शहर में रहने वाले जितने भी लोगों जिनके अकाउंट्स से रिलेटेड होंगे उन तक पहुंच जाएंगी जो ये सर्विसेज दे रहे होंगे तो प्लेटफॉर्म क्या था मार्केटिंग का प्लेटफॉर्म मिला आपको फेसबुक जहाँ पे आपने अपनी पोस्ट लगाई प्रमोट की आपकी नीड है आपको सेमिनार करने वाला कोई चाहिए और जो हेल्थ एंड वेलनेस एक्सपर्ट है उसको चाहिए कि कोई उसको बुलाए सेमिनार करने के लिए तो वो एक हेल्दी अमाउंट जो है वो अर्न कर ले और अपनी ज़िंदगी को अच्छे लेवल पर जी सके तो एक ज़रूरत आपकी है आपको सेमिनार करवाना है उसके बदले आप पे करेंगे और एक ज़रूरत जो है वो सेमिनार करने वाले की है जिसके जो सेमिनार करके उसको पेमेंट मिलेगी तो मार्केटिंग क्या है कि ये प्रोसेस है जिसके थ्रू बायर और सेलर मिलते हैं रिलेशन बनता है उनका और दोनों अपनी एक्सपेक्टेशन के थ्रू दोनों पार्टीज़ जो हैं वो काम करती हैं और ज़रूरतें है पूरी कर लेती हैं अपनी अब इसकी एक परफेक्ट डेफिनेशन क्या हो सकती है कि प्रोसेस ऑफ प्लानिंग वो प्रोसेस जिसमें आप प्लानिंग करते हैं प्लानिंग को और प्लानिंग के कॉन्सेप्ट को एग्जीक्यूट किस तरीके से करना है मैंने प्लानिंग तो कर ली कि भाई ये चीज़ इस तरीके से होगी लेकिन मैं एग्जीक्यूशन सोचनी पहले मुझे क्या करना है फिर मुझे किस तरीके से अरेंज करना है फिर मुझे लोगों को किस तरीके से बुलाना है कार्ड्स देने हैं न्यूज़पेपर में या कुछ भी फिर मैं एक एक पास के जो है चार्जेस क्या रखूँगी उसके बाद उन पार्सेज़ को मैं कहाँ कहाँ डिस्ट्रीब्यूट करूँगी कि कॉलेज़ में जाकर वहाँ के प्रिंसिपल को दे दूँ कि आप दे दीजिएगा या स्कूल्स में या बड़े जनरल स्टोर्स पर ठीक है ना तो ये डेफिनेशन के अंदर सब कुछ है एक दफ़ा इसको पढ़ लेंगे तो ये टॉपिक क्लियर हो जाएगा द प्रोसेस ऑफ प्लानिंग एंड एग्जीक्यूटिंग द कंसेप्शन प्राइसिंग प्रमोशन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ आइडियाज़ गुड्स सर्विसज ऑर्गेनाइजेशन इवन टू क्रिएट एंड मेन्टेन रिलेशनशिप दैट विल सेटिसफाई इंडिविजुअल एंड ऑर्गेनाइजेशन ऑब्जेक्टिव इंडिविजुअल की जो है नीड्स हैं वो भी सेटिसफाई होंगी और ऑर्गेनाइजेशन के जो ऑब्जेक्टिव्स हैं वो भी पूरे होंगे इसमें मार्केटिंग कैन बी ऑफर्ड थ्रू ये बहुत नॉर्मल सी चीज़ है हम देखते रहते हैं कि मार्केटिंग भाई किस तरीके से ऑफर की जा सकती है भाई मैंने कोई क्रीम लॉन्च की है और मैं चाहती हूँ कि वो हमारे शहर में मशहूर हो जाए तो मैं या तो देखूंगी कि हमारे शहर में मीडिया कितना है कि छोटा शहर है बड़ा शहर है फोन ज़्यादा यूज होते हैं तो मैं यूट्यूब पर पॉपा एड्स दे दूँगी ठीक है ड्यूरिंग एवटायरमेंट्स या फेसबुक पर अगर मैं देखती हूँ कि पॉपुलेशन ज़्यादा है या ट्रैफिक ज़्यादा जाम रहता है तो हम कोशिश करेंगे कि बड़े बड़े बिल के ऊपर जो ज़्यादा मसरूफ़ इलाका है उधर बड़े बड़े बिल पर जो हम अपना बैनर लगा दें अगर हम देखेंगे कि पढ़े लिखे लोग ज़्यादा हैं यहाँ पर तो प्रिंट मीडिया का सहारा लेंगे और न्यूज़पेपर के थ्रू देंगे तो मार्केटिंग के डिफरेंट वेज होते हैं और अकॉर्डिंग टू द डिमांड मार्केटिंग शुड प्रोवाइड अवेलेबल इंफॉमेशन दैट इज अप्रिशिएटेड बाय टारगेटेड ऑडियंस अब मार्केटिंग में कुछ ऐसे अल्फाज होने चाहिए कुछ ऐसी इन्फॉमेसन होनी चाहिए जैसे हम देखते हैं कोई भी एडवर्टाइजमेंट दस से बारह सेकेंड का होता है ठीक है और बहुत बड़ा एडवर्टाइजमेंट जो होता है वो तीस सेकेंड का होता है यानी एडवर्टाइजमेंट फिल्म एजेंसी में आप जाएंगे तो वो आपको सात सेकेंड से लेके आपके तीस सेकेंड तक के एडवर्टाइजमेंट बनाने की जो है वो पॉलिसी दिखाते हैं अपनी तो बारह सेकेंड के अंदर आपने अपने कस्टमर को अपने क्लाइंट को कन्वेंस करना होता है कि भाई ये प्रोडक्ट हमारा दी बेस्ट है और आप हमसे जो है ना वो ये प्रोडक्ट ले लें तो प्रोडक्ट की जो इंफॉर्मेशन बेसिक इंफॉर्मेशन है जो ऑडियंस आप टारगेट करना चाह रहे हैं अब सपोज अगर वो वाइटनिंग क्रीम है ब्राइटनिंग क्रीम है तो उसके अंदर आपने वो अल्फाज इस्तेमाल करने हैं और प्रोडक्ट की वो सारी इन्फॉर्मेशन इस्तेमाल करनी है जो आप चाहते हैं कि आपके क्लाइंट तक पहुँचे इन ट्वेल्व सेकेंड सेवन सेकेंड या फाइव सेकेंड्स ठीक है अब बींगे हेल्थ प्रैक्टिशनर हमें अपनी सर्विसेज को प्रमोट करने के लिए दो चीज़ें पता होनी चाहिए एक तो टारगेट ऑडियंस कौन सी है हमारी दूसरी पॉजिटिव रिलेशनशिप हो हमारा अपने कंज्यूमर्स के साथ टारगेट ऑडियंस कौन है हमारे पेशेंट्स हमारे क्लाइंट्स जिनको अपनी हेल्थ के बारे में पता नहीं है ठीक है उसके लिए हम छोटी छोटी जगहों पर जाकर आपने देखा होगा कैंप्स लगाते हैं अपने दूसरा ये कि अगर हमारे पास एक बार पेशेंट आ गया तो हमें उसके साथ हेल्थी रिलेशनशिप मेंटेन करनी है ताकि कल को अगर हम कोई प्रोडक्ट लॉन्च करते हैं या हम कोई सर्विस नहीं कोई uh, क्या कहना चाहिए कि कोई बंडल बनाते हैं कि भई आप अगर इस ऑफ़र uh, को इस टाइम पर अवेल करेंगे जिस तरह रमज़ान ऑफ़र चल रहे होते हैं तो आपको ये बेनिफिट मिलेगा तो जो हमारे पहले से बने हुए क्लाइंट्स होंगे जिनके साथ हमारा अच्छा रिलेशन होगा तो हमारी बात आसानी से मान लेंगे दो चीज़ें कौन सी याद रखनी है टारगेट ऑडियंस और अपनी रिलेशनशिप अपने कंज्यूमर्स के साथ टारगेट मार्केट क्या होती है अच्छा एक होती है टारगेट ऑडियंस और एक होती है टारगेट मार्केट दोनों में क्या डिफरेंस टारगेट मार्केट इज द ग्रुप ऑफ पीपल टू वर्ड अ फर्म डिसाइड टू डायरेक्ट इट्स मार्केटिंग एफर्ट एंड अल्टीमेटली इट्स गुड्स एंड सर्विसेज़ टारगेट मार्केट वो होती है टारगेट मार्केट यानी एक ग्रुप ऑफ पीपल है जिसकी तरफ कोई भी फर्म डिसाइड करती है कि हमने अपने एफ़र्ट्स इस तरफ लगाने हैं जैसा कि दराज की एग्जांपल ले लें आप दराज़ या अमेज़ोन वहाँ पर जो हमारे पास बायर्स होते हैं उन उनका जो है वह हमारे पास डेटा होता है कि इन्होंने अभी तक कितनी पर किए हैं कितने ऑर्डर्स रिसीव कर लिए हैं और कितने कैंसिल कर लिए हैं अब हमें पता होता है हमारे पास एक ग्राफ बना हुआ होता है कि अगर हम अपनी सर्विसेज अब हमें पता होता है कि जैसे अगर आपको नहीं पता हो जिनका बायर सेलर अकाउंट रह चुका है दराज का उनके पास एक लिस्ट बनी हुई होती है कि भाई ये जो हमारे क्लाइंट्स हैं ना ये ज़्यादातर मेडिकल गुड्स मंगवाते हैं ये जिम रिलेटेड सामान मंगवाते हैं टी शर्ट्स मंगवा ली बैंड्स मंगवा लिए और ये ब्यूटी प्रोडक्ट्स मंगवाते हैं और ये वाले जो हैं वो मोबाइल रिलेटेड एक्सेसरीज मंगवाते हैं तो इनके पास पूरा डेटा होता है अब आपके पास जो आपके फेसबुक पे एड्स चल रहे होते हैं अक्सर वही जो आपने अमेजोन पे सर्च किया होता है पे दराज पे वही आपके पास एड जो है फेसबुक पे अचानक से आ जाते हैं चल रहे होते हैं इट इज़ बिकॉज कि आपका जो सारा डेटा है जो इस तरीके की ऐप्स का वो इनक्रिप्टड नहीं होता आपके सारे अकाउंट जो भी एक फ़ोन में लगे हुए हैं फेसबुक गूगल व्हाट्सएप वो सब जो है वो इंटरकनेक्टेड होते हैं अब ये क्या करते हैं कि इनको अपनी टारगेटेड ऑडियंस का पता होता है कि भाई अच्छा ये 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 वाली चीज़ें ज़्यादा सर्च करते हैं तो जैसे ही उस कैटेगरी का कोई नया प्रोडक्ट आता है आपके पास वो फेसबुक के थ्रू इन्फॉर्मेशन देते दे दे हैं कि भाई ये प्रोडक्ट आपने सर्च किया था इसके रिलेटेड ये प्रोडक्ट भी है ये प्रोडक्ट भी है आप देख लें तो टारगेट मार्केट क्या होती है पहले से पता होना कि ये ऑडियंस हमारे पास है जिसकी इतनी परसेंटेज ऑडियंस है वो इतना ऑर्डर कर लेती है और रिसीव भी कर लेती है और हमें चाहिए कि हम अपना प्रोडक्ट भी उन्हीं के सामने पेश करें यानी अगर मुझे पता है कि भाई ये एक लाख लोग ऐसे हैं जो आ, मेरे पास से ब्यूटी प्रोडक्ट्स नए नए जो भी आते हैं उनको मंगा मंगा कर चेक करते रहते हैं तो मुझे क्या करना है कि मैं गली मोहल्लों में जाकर और इधर उधर अपने एडवर्टाइजमेंट पेश करूं इससे अच्छा मैं दराज को बोलूं कि भाई ये मेरा प्रोडक्ट है और इन्हीं के सामने आप जो उसको प्रमोट करके और पेश कर दें एक लाख में से पचास बंदों ने भी ले लिया रोज का तो हमारे पास मंथली एक हैंडसम इनकम बन जाएगी इसको कहते हैं टारगेट मार्केट आपको पहले से पता हो कि आपको कौन से ग्रुप ऑफ पीपल में अपनी जो प्रोडक्ट है प्रमोट करनी है अब दो चीज़ें एक क्लासिकल मार्केटिंग फाउंडर्ट जॉइन ऑफ टारगेट मार्केटिंग एंड स्ट्रेटजीज डिजाइन टू मीट ओके बिफोर एनी प्लान अ केयरफुल अंडरस्टैंडिंग एंड ऑफ टारगेट ऑडियंस मस्ट बी कंडक्टेड वो बात मैंने पहले कर ली कि बगैर प्लान कोई भी प्लान बनाने से पहले हमें पता हमें जैसे अगर टारगेट ऑडियंस है ना तो आपको पहले से पता होगा कि उनकी क्या डिमांड्स हैं और वो उनकी जो वो जो ऑडियंस है वो जैसे हमारे पास फ़ाइव स्टार फोर स्टार का है ना उधर लिखा हुआ होता है कि भाई इतने स्टार्स प्रोडक्ट को मिले तो हमें पहले समझना पड़ेगा कि जो हमारे टारगेटेड ऑडियंस है वो किस चीज़ को अप्रिशिएट करती है और किस चीज़ को पसंद नहीं करती अब टारगेटेड ऑडियंस क्या होगी गई अब और पूरा ग्रुप ऑफ़ पीपल मैंने बताया कि भाई दराज की एक लाख की कम्युनिटी हमने उठा ली या फेसबुक का एक पूरा ग्रुप बना दिया उसमें हेल्थ एंड ब्यूटी की सारी टिप्स हो रही हैं ठीक है ठीके? ये हो गई टारगेट ग्रुप ऑफ़ पीपल फॉर एग्जाम्पल और इसमें आपका यूनिवर्सिटी के फेलोज भी आ जाएंगे जूनियर्स भी आ जाएंगे क्योंकि वो एक ही फील्ड के लोग हैं अब दूसरी चीज़ अब क्या है कि टारगेट ऑडियंस टारगेट ऑडियंस पुटिंग प्रोडक्ट और सर्विस इन फ्रंट ऑफ द राइट पीपल्स हेल्प यू टू इंक्रीज योर सेल्स एंड प्रॉफिट अब ऑडियंस क्या है कि भाई आपका जो है वो अप्रोच अब बीइंग ए थेरेपिस्ट आप क्या अपने दराज पर डालेंगे मैं फिजियोथेरेपिस्ट हूँ अब वो एक जो ऐप है अमेजोन की है, दराज की वो तो एक साथ पूरी दुनिया दु, 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 में चलती है ना तो कहाँ कहाँ से आपके पास कौला मलेशिया सिंगापुर कहाँ कहाँ से आपको जो थेरेपी करवाने के लिए या हेल्थ एंड वेलनेस के लेक्चर्स के लिए इस चीज़ को समझने के लिए लोग आएंगे तो अब आपको क्या करना पड़ेगा कि अपने ही एरिया शहर में या अपने इस प्रोविंस के अंदर ही आपको अपनी टारगेट ऑडियंस जो है ढूंढनी पड़ेगी अगर आप अपना प्रोडक्ट सही लोगों के सामने रखेंगे तो आपकी सेल बढ़ेगी यानी आप किसी मजदूर के सामने आईफोन एलेवन प्रो मैक्स का एडवर्टाइजमेंट पेश करेंगे तो वो बेचारा नहीं ले सकता उल्टा अकॉर्डिंग टू हेल्थ एंड वेलनेस और होलिस्टिक अप्रोच वो तकलीफ में आ जाएगा है ना सेम उस बंदे के लिए जाता है कि जिस बंदे को परफ्यूम लगाने की आदत हो वो सिर्फ परफ्यूम्स यूज़ करता है ब्रांडेड और उसके आगे आप इत्र का एडवर्टाइजमेंट देना शुरू कर दें ठीक है और वो बंदा जो पहले से बहुत शदीद किस्म का गोरा है और उसके आगे, आगे आप वाइटनिंग क्रीम का अटैचमेंट देना शुरू कर दें तो सेल नहीं होगी ना तो ये यहाँ पे कहने का मकसद ये है कि अगर आप अपने प्रोडक्ट को सही लोगों के सामने रखेंगे तो आपकी सेल बढ़ेंगी और इस चीज़ के लिए एक स्ट्रेटजी बनानी पड़ती है एक लिस्ट ऑफ पॉसिबल पीपल या कंपनी जो आपको बेनिफिट दे सकते हैं मैंने कोई मल्टी के कैप्सूल बनाया तो मेरे पास लिस्ट होनी चाहिए कि मेरे एरिया में कितने स्टोर्स हैं और मेरे एरिया में कितनी फार्मेसीज़ हैं और कौन मुझसे ये प्रोडक्ट ले सकता है और मैं जाकर उनको जो है वो प्रोडक्ट सेल कर दूंगी सिंपल अगर मैं जाके घर घर बेचूंगी तो मुझे कितनी प्रॉब्लम होगी वहीं पे मैं थोड़ा सा मार्जिन देकर किसी स्टोर वाले की पूरी लिस्ट बना लूँगी भाई मेरे एरिया में दो जो है स्टोर हैं दो हज़ार में से भी अगर दो लोग रिफ्यूज़ कर देते हैं और चार लोग भी मेरा प्रोडक्ट रख लेते हैं उन चार लोगों में से भी अगर दो सौ पर सेल अच्छी हो जाती है तो मेरा प्रोडक्ट तो निकल जाएगा आगे तो इसे कहते हैं टारगेट ऑडियंस और उसकी स्ट्रेटजी ठीक है वी नीड टू लेट कंज्यूमर्स नो टू थिंग्स हमें दो चीज़ें अपने कंज्यूमर्स को जानने की इजाज़त देनी चाहिए द वैल्यू ऑफ़ फिजिकल थेरेपी फॉर डायग्नोसिस ट्रीटमेंट प्रिवेंशन प्रॉब्लम रिलेटेड टू मूवमेंट फंक्शन हेल्थ एंड वाई ऑर प्रैक्टिस शुड प्रैक्टिस शुड बी देयर प्रैक्टिस ऑफ चॉइस फॉर स्टोरिंग प्रोमेंट फंक्शन हमें दो चीज़ें अपने थरप, अपने जो कंज्यूमर्स हैं उनको बतानी है कि हम किस तरह के कि क्या अहमियत है कि आप फिजिकल थेरेपी के थ्रू डायग्नोसिस uh, कर सकते हैं ट्रीटमेंट देखें बाकी सब जितनी भी थेरेपीज़ होती है ना उसके अंदर आप मेडिसिन टूस टूस के खिला रहे होते हैं और आज तक आज तक गारंटी के साथ कोई भी दुनिया का ऐसा पेशेंट नहीं है जो मेडिसिन खाते खाते ठीक हो गया हो जिसने मेडिसिन खाना शुरू की है जब उसकी डेथ होती है तो उसके घर में उसकी मेडिसिन ही पड़ी हुई होती हैं जो उसने आने वाले हफ्ते में भी खानी थी या उसका मेडिसिन का प्लान होती है कि मैं भी लेकर आऊँगा यानी मेडिसिन खाते खाते मर जाते हैं कोई भी ऐसा पेशेंट नहीं है जो मेडिसिन खा के ठीक होगी और दोबारा उसको जरूरत ना पड़ी अगर आपके घर में भी कोई पेशेंट होगा हाई ब्लड प्रेशर या कुछ तो वो लेकर आ ही रहा होगा रोज़ और फिर ही वो ठीक रह सकता है जिस दिन वो नहीं खाता उस दिन उसकी तबीयत तो ख़राब हो जाती है तो हमें एहसास दिलाना है कि फिजिकल फ़िजिकल थेरेपी के थ्रू बग़ैर मेडिसिन के आप किस तरीके से अपनी तकालीफ से बच सकते हैं और हेल्दी लाइफ स्टाइल अचीव कर सकते हैं और दूसरी बात कि हम हमारी प्रैक्टिस उनकी चॉइस कैसे बने क्यों वो किसी एलोपैथिक डॉक्टर के पास जाने के बजाय होम्योपैथिक या किसी के पास जाने के बजाय हमारे पास आए हमें उनको ये समझाना होगा कि हम ना कि आपको सिर्फ़ ठीक करते हैं लेकिन उस बीमारी की वजह से जितनी भी आपको नुकसान हो चुका है हम उसको रिस्टोर भी करते हैं तो हमें उनको ये बताना होगा कि अगर आप कहीं और जाते हैं बिलफर्ज़ आप समझते हैं कि वह आपको ठीक कर देंगे तो ये बात सही है लेकिन वो आपको पहले जैसा नहीं कर सकती लेकिन हम आपको पहले जैसा कर सकते हैं प्रिवेंट कर सकते हैं तो ये दो, दो चीज़ें कि हमारी अहमियत क्या है और हमारी प्रैक्टिस क्यों ज़रूरी है और दूसरी बात कि हम उनकी चॉइस क्यों बनें हम यानी वो बोलें कि हम आपको चूज़ क्यों करें तो हमें हम, उनको अपनी क्वालिटीज़ और ऑप्शन से आगाह करना असल में हमें ये करने की ज़रूरत इसलिए है क्योंकि इतनी अवेयरनेस अभी तक इस दुनिया में अभी तक टिल 2022 भी फिज़िकल थेरेपी के बारे में लोगों को इतनी नहीं है उनको नहीं पता कि अगर हमें पेन मसल पेन या बोन्स का कोई इशू होता है तो हमें कहाँ जाना चाहिए ठीक है ये हो, अब हो गई रीच कंज्यूमर्स थ्रो एफेक्टिव मार्केटिंग एट द मोस्ट फंडामेंटल लेव मार्कटिंग योर सेवन योर प्रैक्टिस मीज लेटिंग अदर्ज नो अबाउट यू योर प्रैक्टिस एंड योर सर्विसिज यू प्रोवाइड एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली इन इनकरेजिंग चूज योर प्रेक्टिस वैन द नी एराइज मार्कटिंग इज एन इंपॉ इज इम्पॉर्टेंट फॉर बिल्डिंग न्यू प्रैक्टिस सस्टेनिंग ग्रोथ ग्रोइंग एंड एक्जिस्टिंग प्रैक्टिस एंड डेवलपिंग ए स्पेसिटी ऑर्गनाइज प्रोग्राम एंड द साउंड मार्केटिंग प्लान इज असेंशियल फाउंडेशन फॉर हेल्थ ऑफ योर फॉर द हेल्थ ऑफ योर प्रैक्टिस अब सीन देखो ये है कि जब आपने कोई क्लिनिक ओपन किया कहीं भी भी किसी को नहीं पता कि भैया एक नया जो है फिजियोथेरापिस्ट आया है इस इलाके में और उसने क्लिनिक ओपन किया अब लोग कैसे आएंगे आपके पास मार्केटिंग एक अच्छे लेवल पे मार्केटिंग करके लोगों को ये बताना कि भाई आपके इलाके में एक ऐसा थेरेपिस्ट मौजूद है और जो कुछ स्पेसिफ़िक चीज़ें कि भाई स्पाइन इंजरी हो गई या स्कॉलियोसिस स्कौ, लॉडोसिस लौ, काफोसिस वाला इशू है इन सबको ठीक करने के लिए बगैर ऑपरेशन के आपके इलाके में एक थेरेपिस्ट मौजूद है और आएँ और अपना इलाज करवाएं ये सब चीज़ें लिखकर और ये सब चीज़ें लोगों के कानों तक तो पहुंचाना उसको कहते हैं इफेक्टिव मार्केटिंग जिसके थ्रू एक प्रैक्टिशनर जो है वो अच्छी ऑडियंस अचीव कर सकता है और अपनी लाइफ को बेहतर बना सकता है और हेल्दी इनकम कर सकता है इसके लिए हम कैंप लगाते हैं अभी भी लगते हैं जो भी लोग फिजिकल थेरेपी या कोई भी किसी भी फील्ड बी डी एस हो एम बी बी एस हो या होम्योपैथिक्स uh, ही क्यों ना हो वो सब भी और हम भी कैंप लगाते हैं छोटे छोटे गांव में जाकर फ्री कैंप्स और वहाँ पर अपने कार्ड्स देकर आते हैं और उनको बताते हैं कि भाई आपके गांव के बिल्कुल गरीब खाल में हमारा क्लिनिक है और आप यहाँ आए और हमसे सर्विसेज लें और इस तरीके से हम हमेक्टिव मार्केटिंग के थ्रू अपना करियर अच्छे से सेटल कर लेते हैं अब प्रायर टू डिज़ाइन कि एज अ फिजिथेरापी डिजाइनिंग प्रमोशन प्लान मस्ट आज फॉलोइंग क्वेश्चन अब ये तो है जी किसी पढ़े लिखे मुल्क के बारे में जैसे यू के हमारे मुल्कों में जो मैं बात करती हूँ हमारे एशियन कंट्रीज ना इंडिया पाकिस्तान बांग्लादेश वगैरह तो इनमें जो है ना ये प्लान इस तरीके से काम नहीं करता है लेकिन कुछ आ, कुछ तरीके से कर जाता है क्योंकि हमें देसी तरीके अपनाने पड़ते हैं बट हम क्योंकि पढ़ ही यूके की स्टडी रहे हैं यूएसए की स्टडी रहे हैं तो उसके अकॉर्डिंग हम उसको देखते हैं कि हु पर द प्रोडक्ट पर चीज़ पर हम ध्यान रखेंगे पर प्रोडक्ट परचेज़ कौन करेगा हम प्रोडक्ट डिज़ाइन भी कर सकते हैं और हम सर्विसेज भी दे सकते हैं आप जिम बॉल डिज़ाइन करके दे दें कि भाई जिम के अंदर ये वाली बॉल हमारी रेंज बढ़ाने के लिए हेल्पफुल है या वेट अगर इस डिज़ाइन का होगा तो उठाने में आसान है ठीक है तो आप प्रोडक्ट भी दे सकते हैं आप सर्विसेज भी दे सकते हैं इसमें भी दो टाइप्स होते हैं एक प्रोडक्ट और एक सर्विसेज आ, ओके तो पहली चीज़ की हमें पता होना चाहिए कि प्रोडक्ट जो हम प्रमोशन प्लान बना रहे हैं हम ध्यान में रखेंगे कि हमारा प्रोडक्ट परचेज़ कौन करेगा हु परचेजेज द प्रोडक्ट दूसरा परचेज कब करेंगे वो यानी वो किसी तकलीफ़ में आएंगे तब परचेज़ करेंगे शौक में तो कोई नहीं करता अब किसी की हैंड फ्री खराब होगी तो ही वो खरीदेगा ना शौक शौक में आठ दस लेके तो जमा नहीं करनी उसने तीसरी डू दे परचेज क्यों परचेज करेंगे पहली पहली चीज़ जो तकलीफ़ में है फॉर एग्जाम्पल हम बींग डॉक्टर बात करें कोई जो तकलीफ़ में है वो परचेज़ करेगा कब परचेज़ करेगा जब तकलीफ़ शुरू होगी क्यों परचेज करेगा ताकि तकलीफ से आसानी मिल जाए वो इस प्रोडक्ट इज इंटेंडेड फॉर प्रोडक्ट हमने किसके लिए बनाया है किसके लिए नंबर वन हु परचेजिज द प्रोडक्ट उसी के लिए हमने फोर का जो आंसर है वो नंबर वन है कि जिसके लिए हमने प्रोडक्ट बनाया है प्रोडक्ट इज इंटेंडेड फॉर पेशेंट वो पेशेंट जो तकलीफ में है ठीक है आर देर एनी अल्टरनेटिव टू परचेजिंग दिस प्रोडक्ट क्या इस प्रोडक्ट को परचेजिंग में कोई अल्टरनेटिव है यानी आपके अलावा भी कोई प्रोडक्ट मार्केट में पड़ा हुआ है अगर मुझे डिस्प्रिट से सस्ती कोई चीज़ मिल जाती है मार्केटिंग में तो मैं ऑब्वियसली मार्केट में मैं वही लूँगी और अगर मुझे पता है कि मार्केट में पहले से डिस्प्लिन मौजूद है और वो हाई लेवल पे चल रही है तो मैं बेवकूफ़ हूँ कि मैं वही प्रोडक्ट लॉन्च करूंगी या मैं जानती हूँ कि पैरासीिटामॉल पहले से लॉन्च है मार्केट में तो मैं उसी को लॉन्च करूँ तो आप जब प्रोडक्ट लॉन्च करते हैं तो आपको पता होना चाहिए कि मार्केट में कोई आपका अल्टरनेटिव तो नहीं मौजूद जो आपसे सस्ता हो या आपसे आप मशहूर हो ठीक है ग्रुप विद वेरिंग नीड्स प्रजेंट चैलेंजेस एंड डिमांड्स डाइवर्सिटी इन द पॉपुलेशन नीड्स टू बी अप्रीशिएटेड एंड एड्रेस्ड मार्केटिंग कैंपेन फॉर्मिलिटिड यूजिंग इनपुट सोसर कॉमनली यूज ठीक है ना भाई डिफरेंट ग्रूप्स हैं दुनिया के अंदर जिनकी डिमांड्स और नीड्स डिफरेंट हैं फॉर एग्ज़ाम्पल जब आप देखते हैं आप शूज़ लेने जाते हैं किसी का फ्लैट फुट है किसी का कर्व है उस हिसाब से शूज़ की वराइटीज़ आती हैं अब क्योंकि किसी के पाँव का साइज़ बड़ा है छोटा है फुट कर्व है और ये सब तो ये चीज़ें हमारी दुनिया की खूबसूरती में काउंट होती हैं सब कुछ एक जैसे होता हो तो सारे शूज़ के डिज़ाइन एक जैसे होते हैं ऊपर से कलर चेंज हो जाता है लेकिन उसके बनावट में कोई चेंजेस ना आते और फैक्ट्रीज़ को भी कोई चैलेंज नहीं मिलता आप फैक्ट्रीज़ के पास भी चैलेंज है कि हमें ये साइज़ में बनाना है इसी डिज़ाइन को इस साइज़ में भी लेके आना है इस डिज़ाइन को इस साइज़ में भी लेके आना है और उसकी खूबसूरती जो है उस पर भी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं होना चाहिए है ना तो इसको कहते हैं कि भाई ये डाइवर्सिटी है पॉपुलेशन की और हमें इसको अप्रिशिएट भी करना है और उसको एड्रेस भी करना है अब मार्केटिंग कैंपेन के अंदर हमारे पास मल्टीपल सोर्सेज का इनपुट होता है हमने बहुत सारे सर्वेज़ लिए हुए होते हैं आप गूगल पे जाएंगे लिखेंगे कि भाई अगर मैं ये प्रोडक्ट लॉन्च करना चाह रहा हूँ तो मुझे कुछ सर्वेज दिखाएं इससे रिलेटेड तो वो आपको दिखा देगा कि भाई फेसबुक पर इतने लोग आते हैं और इतने पेजेस से चीज़ें परचेज़ करते हैं फेसबुक का डेटा जो है इनक्रिप्टिड नहीं होता ना तो वो बताते हैं कि इतनी आई है नाम के अलावा कि इतनी आई डीज इतनी उम्र के लोग जो है वो फलाने फलाने पेजेस से मोबाइल परचेज़ करते हैं इतनी उम्र के लोग इतने मुल्क से इतने इलाकों से शूज़ पर परचेज करते हैं इधर से कपड़े ये वो और वो आपको सारा डेटा दे देते हैं जिससे आपको समझ में आ जाता है कि आपको कितनी उम्र के लोगों को करने से अगर आपको एज पता चलेगी कि अच्छा अगर अट्ठारह से चौबीस साल के लोग हैं तो आप क्या करेंगे कि डायरेक्ट यूनिवर्सिटीज़ और कॉलेज को जाकर जो टारगेट करेंगे है ना और अगर इससे ज़्यादा आएगा तो आप ऑफिस में जाएंगे ठीक है अब दो चीज़ें होती हैं फोकस ग्रुप और ओपिनियन पोल्स फोकस ग्रुप यानी आप जो है वो लाइफ सैंपल्स देते हैं लाइफ सैंपल और मेम्बर्स फ्राम डिज़ायर टारगेट मार्केट जो डिज़ायर टारगेट मार्केट मार्केट है आप जैसे मुझे पता है कि भाई मुझे स्टूडेंट्स के सैंपल लेने तो मैं अपने जो uh, क्लास फेलोज हैं उनको बोलूँगी कि यार ये मेरा प्रोडक्ट है मैं लॉन्च करना चाह रही हूँ तो यार ये तुम मुझको जरा ट्राई करके देखो और मुझे इस और मैं देखूँगी कि वो क्या ओपिनियन देते हैं ठीक है उसके बाद मैं उनके रिएक्शन uh, वगैरह लिख लूँगी तो वो है मेरा फोकस ग्रुप क्योंकि मुझे इन्हीं जैसे लोगों को बेचना है और ये प्रोडक्ट जो मैं यूज मैंने फॉर एग्जांपल आइस बैग बना लिया है या मैंने कोल्ड बैग बना लिया क्योंकि हमारे यहाँ यूज होता है और मैं बोलूँगी कि यार इसका साइज बहुत छोटा है और ये बहुत सस्ता है और बहुत ही कम टेम्परेचर पर भी यानी तुम्हें ज़्यादा देर इसको फ्रिज में रखने की जरूरत नहीं पड़ेगी ये ठंडा हो जाता है और ज्यादा देर गर्म करने की जरूरत नहीं पड़ेगी गर्म भी बहुत जल्दी हो जाता है तो तुम लोग इसको अपने क्लिनिक में यूज़ करना लेकिन पहले मुझे ना इसका यूज करके रिजल्ट बता दो तो मेरे पास रिएक्शन भी आ जाएंगे और ओपिनियन भी आ जाएंगे तो ये है आपका फोकस ग्रुप ओपिनियन पोल्स कौन क्या होता है रिप्रेजेंट ओपिनियन ऑफ द पॉपुलेशन बाय आस्किंग ए स्मॉल नंबर ऑफ ऑफ़ पीपल और सीरीज ऑफ क्वेश्चन ठीक है अब ओपिनियन पोल्स क्या होते हैं पहले तो मैंने फोकस ग्रुप पे जो है प्रोडक्ट दे के उससे ओपिनियन ले लिया दूसरा ये कि मैंने फिर एक पॉपुलेशन uh, का ओपिनियन लिया छोटे छोटे सवाल पूछ के क्या अच्छा ये आपको किस तरह का लगा आपके क्या डिमांड आप क्या सोचते हैं प्राइस इफेक्टिव है या नहीं एक्सेट्रा ठीक है दो चीज़ें कौन सी ग्रुप फोकस और ओपिनियन पोल्स अब बिल्डिंग अ पॉजिटिव रिलेशनशिप ठीक है अब आपका एक क्लाइंट बन गया अगर आप एक दिन वो आया और वो कहते हैं कि uh, जी वो मेरे पास पैसे नहीं थे ना तो वो मैंने सर्विसेज नहीं लिया अक्सर वो ज़्यादा पेशेंट कह देते हैं कि वो एक्चुअली ना हाथ तंग था और ना अभी सैलरी आई नहीं थी तो मैंने ना एक दिन का डिले कर दिया तो जैसे सैलरी आई तो मैं आ गई आपके पास सर्विस लेने तो फिर आपने उनको ऐसे नहीं कि हाँ अच्छा हुआ आप तब नहीं आई मैंने आपको आने देना था या समथिंग वो दिल में आप सोच लेते हैं लेकिन आपने उनको ये कहना होता है कि कोई बात नहीं अगर नहीं थी तो आप फिर भी आ जाती फिर हम देख लेते आप मेरी क्लाइंट है रेगुलर हैं मुझे आपका पता ही है वो इससे आपका बॉन्ड जो है वो स्ट्रांग होता है तो यहाँ पर ये कहना चाह रहा है कि अगर आपका Uh, जो uh, क्या कहना चाहिए कि इट कैन डेवलप स्ट्रॉन्ग बॉन्ड ऑफ फ्योर्स विद योर क्लाइंट जो आपको लाइफ लॉन्ग चलेगा यानी अगर आपका एक पेशेंट अच्छा बन गया है ना तो वो सारी जिंदगी अपने पूरे ख़ानदान को आपके पास ले लेकर आएगा इस चीज़ की आप गारंटी ले लें तो आपको सर्विसेज तो बेस्ट देनी है लेकिन आपको एक पॉजिटिव रिलेशनशिप भी बिल्ड करना है अपने कंज्यूमर्स के साथ वो कैसे बिल्ट होगा एक तो मेरी सर्विसेज उसको अच्छी लगेंगी दूसरा जो मैंने प्रोडक्ट उसको दिया है वो उसको फायदा भी देगा और वो रिलायबल भी है वो लंबा भी चले ऐसा नहीं एक बार ही बैग यूज कर दिया और दूसरे दिन फ्रिज में रखा वो पता चले आइस बैग फट गया <laughs> हो गया था मेरे साथ मैं लेकर आई थी मार्केट से ठीक है फिजियोथेरापिस्ट रोल इन हेल्थ प्रमोशन हेल्थ प्रमोशन, प्रमोशन। फिजियोथेरेपिस का क्या रोल हो सकता है ठीक है फिजिकल थेरेपिस्ट हैव अ यूनिक अपॉर्चुनिटी टू प्ले अ मीनिंगफुल रोल इन एजुकेटिंग पेशेंट ऑन हेल्थ एंड वेलनेस एंड प्रिवेंट क्रॉनिक कंडीशन एज कार्डिक डिजीज एंड फ्लाना अब सीन ये है कि हम बींग थेरेपिस्ट हम ये जानते हैं कि हम हमारा आपने देखा होगा ना फिज फिज़िकल थेरेपिस्ट होते हैं ना बड़े बॉडी शॉडी बनाई हुई होती है बहुत फिट किस्म के होते हैं ना तो अभी रीज़न क्या है कि हम एक तो ख़ुद ब्रांड एम्बेसडर होते हैं फिजिकल थेरेपी के तो लोग हमें देख के ना वो अलग ही चार मारा होता है उनको कि यार ये किस तरीके से फिट रहते हैं और हमें भी इस तरीके से रहना चाहिए दूसरा ये कि हमारे पास कुदरत की तरफ से हमारे पास ये मौका होता है चांस होता है कि हम अपने पेशेंट को ये गाइड करें कि किस तरीके से हम उनकी हेल्थ और वेलनेस पर काम कर सकते हैं उनको बचा सकते हैं बहुत जो क्रॉनिक कंडीशन है भले ख़ानदानी ही कोई मसले क्यों ना हो वो किस तरीके से उनसे बच सकते हैं और बीमारियों से अपनी जान छुड़ा सकते हैं कार्डिक डिजीज़ वगैरह कार्डियोस्टर डिजीज़ पर हमें डिज़ीज़ कैंसर डायबिटीज़ ओबेसिटी से भी हम बचा सकते हैं हम डाइटरी प्रोग्राम उनको दे सकते हैं उनकी डाइट चेंज कर जैसे हम होलिस्टिक अप्रोच के अंदर नेचुरोपैथी होम्योपैथी एलोपैथी सब आयुर्वेदिक सब मिलकर जब वह काम करते हैं तो हम जो है उनको डाइट प्लान दे दें दे अच्छा सा फिर एक एक्सरसाइज प्लान दे दें दे उनको उनके साथ कि भाई मैं भी ये मैंने भी ये जिम ज्वाइन किया है ऐसा करें आप मेरे साथ आ जाएं मैं वहाँ आपको ट्रेनिंग दे देता हूँ और फिर जो है आप आ, जो है वो मेरे साथ ट्रेन होंगे तो थोड़ी फिटनेस भी आ जाएगी ये वो तो अगर आप एक्सरसाइज की तरफ जाते हैं तो कार्टिक डिजीज़ से आप वैसे ही बच जाते बच जाते हैं एक पेशेंट एक मुट्ठी कैप्सूल रोज खाना पसंद नहीं करता वो चाहता है उसको कोई ऐसा अल्टरनेटिव मिले जिसके वो बच जाए लेकिन क्या होता है ना एक दो दिन हम कोई भी वीडियो देख के मोटिवेट रहते हैं उसके बाद हम जो है वो थोड़े से सुस्त हो जाते हैं तो अगर आप ख़ुद थेरेपिस्ट जो है वो रोज एक पेशेंट के साथ एक्सरसाइज कर रहे हैं उसको ट्रीट कर रहा है तो रोज़ का मोटिवेशन मिलना यानी लॉन्ग टर्म चेंजेस आ सकते हैं और आपका जो हेल्थ प्रमोशन में एक रोल है वो निकल कर जो खुल के सामने आता है और लोग जानना शुरू कर देते हैं कि हाँ भाई देर इज़ अ ग्रुप ऑफ पीपल जिनकी वजह से हम हेल्थ को प्रमोट कर सकते हैं और फिर इनिशियली क्या होगा कि वो लोग जो अच्छी हेल्थ हासिल करना चाहते हैं वो आपको ढूंढते हुए आप तक पहुँचते हैं इट इज़ इंपॉटेंट टू हेल्प पीपल थिंक अबाउट द कॉस्ट एंड पोटेंशियल बेनिफिट्स ऑफ़ हेल्थ एक्टिविटीज जी मैंने बात कर दी फिजिकल थेरेपिस्ट हैज़ अ रिस्पॉन्सिबिलिटी टू इनक्रीज़ पब्लिक अवेयरनेस ऑफ फिजिकल फिजियोथेरापी सर्विस प्रोवाइडर ऑफ चॉइस फॉर हेल्थ प्रिवेंशन ऑफ इंजरी प्रमोशन प्रिवेंशन ऑफ इंजरी का जब हमने कल लेक्चर अपलोड कर दिया है पूरा वो देख लिया होगा फिजिकल थेरेपिस्ट की एक जो वो जब हम ओथ लेंगे ना तो आपको पता चलेगा कि हमारी एक रिस्पॉसिबिलिटी है कि हमने पब्लिक को अवेयरनेस देनी है फिजिकल थेरेपिस्ट की सर्विसज़ के बारे में और हेल्थ को प्रमोट करना है बेसिकली हमारा काम हेल्थ को प्रमोट करना होगा क्योंकि हमारा जो वजूद है इस फील्ड का वो आया ही इसलिए था कि बग़ैर मेडिसिन के किस तरीके से लोगों को पेन से निजात दिलाई जाए और हेल्थ की तरफ वापस लेकर आया जाए तो हमारा काम ही ये है कि हमें फिजियोथेरेपिस्ट की जो है वो अवेरनेस देनी है लोगों को और अवेयरनेस जो है मार्केटिंग के थ्रू ही दी जा सकती है जैसे बड़ा सा बैनर लगा दिया या रिटायरमेंट बनाया कि अगर आप चाहते हैं अगर आप चाहते हैं कि बग़ैर कैप्सूल खाए बग़ैर दवाई के बग़ैर किसी लंबे ट्रीटमेंट के आपको तकलीफ से आराम मिल जाए तो अभी ज्वाइन कीजिए हमारे साथ अगर आपको भी प्रॉब्लम है स्कॉलियोसिस की कैफोसिस की लॉर्डोसिस की तो आइए आज विजिट विज़िट कीजिए हमारा क्लिनिक फलाना फलाना अच्छा ज़्यादा हो गया समझ में आ गई इस तरीके से हमने अपने क्लिनिक को तो प्रमोट करना है लेकिन हमने ख़िदमत ख्याल भी करनी है मज़ाक से अलावा इंपॉटेंट चीज़ें मार्केटिंग मिक्स मेक्स फोर पीज एक चार पीज़ होते हैं हमारे पास जो यहाँ पर फिजिकल थेरेपी के अलावा दुनिया में जहाँ पर भी मार्केटिंग की बात होती है वहाँ ये चार पी बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं पहला क्लासिक डोमेंट ऑफ मार्केटिंग प्रोडक्ट क्या है उसकी प्राइस क्या है उसको हम कहाँ डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए लगाएंगे कहाँ कहाँ पर उसको प्लेसमेंट होगी उसकी और चौथा प्रमोशन यानी प्रमोशन क्या चीज़ होती है अच्छा आगे पढ़ते हैं ना आपको मजा आएगा उसको सुनने में प्रमोशन में प्रोडक्ट क्या होता है कि वो गुड या सर्विसेज गुड यानी वो सामान जो टेंजिबल है जो पेशेंट उठा सकता है इस्तेमाल कर सकता है जैसे मोबाइल फ़ोन टेंजिबल है ठीक है जैसे मैं आपको बताया कि हीट बैग जो है वो टेंजिबल है और अगर हीट बैग के अलावा मैं हाथ से कोई सर्विसेज दे रही हूँ मसाज या मैनीप्लेशन uh, वगैरह तो ये सर्विस है तो हमारे पास प्रोडक्ट क्या होते हैं इसमें दो चीज़ें होती हैं कि गुड्स एंड सर्विसेज प्रोवाइड बाय ऑर्गेनाइजेशन टू मीट नीड एंड एक्सपेक्टेशन ऑफ कंज्यूमर या तो गुड्स हो सकते हैं या सर्विसेज़ होती हैं जो कोई ऑर्गेनाइजेशन दे रही होती है जैसे आप ब्यूटी सेलोन में जाते हैं तो वहाँ आपको सर्विसेज मिलती हैं और आप जब किसी स्टोर में जाते हैं तो वहाँ आपको गुड्स मिलते हैं तो गुड्स क्या होते हैं टेंजिबल ऑब्जेक्ट्स होते हैं जो फिज़िकली यूज़ हो सकते हैं कस्टमर्स के थ्रू और सर्विसज़ क्या होती हैं वो फिर एक जो सर्विस प्रोवाइडर है उसका टास्क है कि वो किस तरीके से अपने कस्टमर को सेटिसफाई करता है सर्विस देकर क्योंकि सामान लेकर पैसे देना मतलब पैसे देकर सामान लेने से लेते ही वो पेशेंट क्लाइंट जो है वो सेटिसफाई हो जाता है लेकिन वो पैसे के पैसे देकर वो सर्विस ले रहा है वो घर पे कुछ नहीं लेके जा रहा वो अपनी बॉडी पे कोई चीज़ महसूस कर रहा है तो वो सर्विस हो रहा है या नहीं हो रहा है ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है प्राइसिंग क्या है कि भाई आप जो सर्विस दे रहे हैं उसके मुताबिक पैसे ले रहे हैं या नहीं यानी वो वैल्यू फॉर मनी है या नहीं बंदे को यही नहीं लग रहा कि यार मैंने दो हज़ार ज़्यादा दे दिए इतनी तो उसने कोई मेहनत की भी नहीं थी है ना तो ये वाली चीज़ है और इस बात का ध्यान रखना देखो मार्केट में जो कॉम्पटिशन है तो मुझे पता है कि भाई जब अगर सब हज़ार रुपये ले रहे हैं चार्जेज तो अब मैं नहीं आई हूँ तो मैं आठ या पाँच लेकर जब सर्विस स्टार्ट करूँ उसके बाद ऐसे ऐसे बढ़ा दूँ मार्केट में हज़ार चल रहे हैं मैंने कर दिया पंद्रह सौ ऐसे भी कोई आना नहीं था वैसे ही नया क्लिनिक था अब पंद्रह सौ सुन के वैसे भी कोई नहीं आएगा तो मार्केट का भी ध्यान रखना है और कंपटीशन का भी ध्यान रखना है और ऐसा नहीं कि अभी भी क्लिनिक बनाया है तो सारा खर्चा पेशेंट से निकाल लेंगे सोचकर चार्जेस बढ़ा दिए ऐसा नहीं करना अब मैथड ऑफ़ इंक्रीजिंग प्राइस इज़ टू ऑफर अ पैकेज अगर आप प्राइस बढ़ाना चाहते हैं आप चाहते हैं कि मेरे पास ज़्यादा जो है वो पेशेंट आ जाएँ या फिर जो मैं सर्विस दे रही हूँ मुझे एटलीस्ट पूरे तो पैसे मिले भले मेरा क्लिनिक नहीं हुआ है तो आपने क्या करना है कि अभी जो भी पेशेंट बने उनसे एक अच्छे तरीके से जो है वो अपने तल्लक कायम करने दूसरा कि उनको पैकेज देना है कि अगर आप आकर ही सर्विस ले लेते हैं या ले लेती हैं तो फिर आपके साथ अगर आपका बेटा या बेटी आएंगे तो हमारी तरफ से अगर दो बंदे सर्विसेज ले रहे हैं तो तीसरे को सर्विस फ्री मिल जाएगी या अगर आप हमसे ये वाली दो सर्विसेज ले रहे हैं तो तीसरी हमारी तरफ से फ्री और इस तरीके से आप प्राइस के थ्रू प्राइसिंग में जो है वो थोड़े से चेंजेस कर सकते हैं प्रमोशन देखिए प्लेसमेंट क्या होती है कि आपने अपना प्रोडक्ट रखना कहाँ है एस्पेक्ट ऑफ मिक्स मार्केटिंग दैट कंसर्न विद हाउ वेन एंड वेयर द प्रोडक्ट इज प्लेस फॉर द टारगेट मार्केटिंग फॉर एग्ज़ाम्पल अगर कोई ब्यूटी सेलॉन का जो है वो कोई एडवर्टाइजमेंट है अब वो उसको मेडिकल स्टोर के बाहर तो नहीं पेस्ट करके आएंगे ना ऑब्वियसली जहाँ पर फीमेल के कपड़े सेल होते होंगे बुटीक्स होंगी वहाँ पे उसको पेस्ट करेंगे तो ये भी एक सोचने की बात है कि आपने अपना प्रमोशन कहाँ पेस्ट करना है किसी बड़े हॉस्पिटल के बाहर या किसी ऐसी जगह पर जहाँ पर से एक्सीडेंट के केसेस होते हैं उस वार्ड के बाहर अगर आप अपना फिजियोथेरेपी के क्लिनिक का वो पोस्टर लगा देते हैं कि अगर आप इंजर्ड हो गए और अगर आप रिकवर होना चाहते हैं तो आपसे रब्ता करें एक्सेट्रा तो भी जो है वो आपका प्रमोशन अच्छे से हो जाएगा सो के दिन प्लेसमेंट कि प्रोडक्ट को कहाँ प्लेस करना है कि वो अच्छे तरीके से प्रमोट हो सके प्रमोशन क्या है कि इसको ना थोड़ी मज़े की चीज़ें इसको समझें कि भाई मुझे एक प्रोडक्ट खरीदना था लेकिन मैं उसको मैंने कार्ट में डाला हुआ है लेकिन मैं उसको परचेज़ नहीं कर रही कि यार अभी मेरे पास पैसे नहीं है तीन सौ पड़े हुए हैं और ये साढ़े तीन सौ का है ले लूँगी मैं बाद में चलो देख लेते हैं उसको फिर इस पर तो यार डिलीवरी चार्जेस भी हैं मैं नहीं ले रही है वो अब वहीं पे वो प्रोडक्ट कोई ईद ऑफ़र आई है वो उन्होंने दो सौ साठ रुपये का कर दिया और डिलीवरी भी कोई सत्तर अस्सी रुपये है तो जो मेरे पैसे थे उन्हीं में मुझे सर्विस मिल गई तो प्रमोशन क्या करता है कि आपका जो क्लाइंट का जो डिसीजन है ना उसको गिरती हुई दीवार को एक धक्का और दो वाला काम करता है यानी क्लाइंट को प्रोडक्ट पसंद है पर वो ख़रीद नहीं रहा उन्होंने प्रमोशन दे क्लाइंट को मजबूर कर दिया कि वो प्रोडक्ट खरीदे यानी प्रमोशन का बहुत बड़ा इन्फ्लुएंस होता है कस्टमर के परचेजिंग डिसीजन के ऊपर कि एक प्रोडक्ट उसने पहले भी खरीदा था लेकिन अब वो प्रोडक्ट की दस पीस रुपये प्राइस जो है वो कम हो गई है और फिर प्रमोशन चल रहा है दस दिन के अंदर अंदर आप ख़रीद सकते हैं उसके बाद आप नहीं ख़रीद सकते सीन ये है कि उनके पास स्टॉक इतना पड़ा हुआ है वो ख़त्म नहीं हो रहा उनको दस दिन में वो स्टॉक ख़त्म करना है ठीक है ना तो वो क्या करते हैं उस पर वो अपना प्रमोशन लगा देते हैं और प्रमोशन से आप इफेक्ट होते हैं कि यार हाँ दस दिन के अंदर अंदर तो हो जाएगा हाँ यार फिर मार्केटिंग में मार्केट के अंदर जो ये इतने का मिल रहा है और यहाँ मुझे इतने का मिल रहा है और ये ख़त्म ना हो जाए और आप जल्दी से उसको परचेज कर लेते हैं तो कम्युनिकेशन आपकी अच्छी होनी चाहिए दूसरा आपको पता होना चाहिए कि मैं कि किस टारगेट ऑडियंस से बात कर रही हूँ ऐसे ना हो कि आलू लेने आया और मैं उसको प्याज दिखा रही हूँ कि प्याज ले लो नहीं तीसरी चीज़ ये कि आपको पता होना चाहिए कि आप अपना प्रोडक्ट कहाँ प्लेस करेंगे चौथी चीज़ें आपका प्रमोशन अच्छा होना चाहिए जैसे वो कहते हैं ना कि हम रमज़ान चल रहे हैं ना तो क्या कहते हैं कि पचास रुपये की दो किलो प्याज और सौ रुपये की पाँच किलो तो भाई हम पाँच किलो सौ रुपये की बीस रुपये बचेंगे एक साथ पाँच किलो ले लें तो प्रमोशन से क्या होता है कि कंज्यूमर का परचेज डिसीजन चेंज हो सकता है अब है इंटीग्रेटेड मार्केटिंग क्या होती है इंटीग्रेशन का पता है ना दो चीज़ों का आपस में एक जगह आकर मिलना उसे हम कहते हैं भाई इंटीग्रेशन है या दो नॉलेज का आपस में आके एक दूसरे से आ, क्या कहना चाहिए कि नॉलेज एक्सचेंज ऑफ नॉलेज ठीक है आसान अल्फाज में टारगेट इंडिविजुअल नीड अ कंज्यूमर टारगेट्स इंडिविजुअल नीड्स अ कंज्यूमर इट इज़ ऑल्सो अ होलिस्टिक अप्रोच टू रीच योर क्लाइंट क्लाइंट को रीच करना भी एक होलिस्टिक अप्रोच है क्योंकि आप होलिस्टिक अप्रोच में बहुत सारी चीज़ें एक साथ में मिक्स जाती हैं होलिस्टिक मतलब होल पूरा मुकम्मल तो उसमें आप हर जगह हर इदारे के दरवाजे खट खटाते हैं जहाँ पर आपको लगता है कि हाँ यहाँ पे मेरा क्लाइंट हो सकता है यहाँ पे मेरा क्लाइंट हो सकता है अब इसके चार एलिमेंट्स हैं डेवलप पर्सनल रिलेशनशिप इसको एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं हमने पहले बात कर ली यूजिंग करंट टेक्नोलॉजी रैपिड कम्युनिकेशन मोबाइल के थ्रू तो प्रमोशन कर दी शेयर ऑर्गेनाइजेशनल विजन कि भाई इस प्रोडक्ट को बनाने का मेरा मकसद ये था जिस तरह मैं बता दें कि भाई मेरे यूट्यूब चैनल को मेरा ये बनाने का मकसद ये था कि जब हम फर्स्ट सेमेस्टर में थे हमें पढ़ाने वाला कोई नहीं था कैनिस्टलॉजी वगैरह नई बुक्स थी या नेटवे फिजियोलॉजी फिर भी सुना हुआ था तो हमने ये सोचा कि एक चैनल बनाते हैं जो मुश्किलें हमें हुई वो दूसरे को ना हो तो ये हमारा एक विज़न था मेरा ये विज़न था कि जब भी कोई पढ़ेगा तो जो तकलीफ मुझे हुई थी वो उन्हें नहीं हुई थी नहीं होगी तो मुझे सुकून मिलेगा तो ये मेरा ऑर्गेइजेशन विजन था इसी तरीके से जब आप कोई प्रोडक्ट लॉन्च करेंगे जब आप फिजिकल थेरेपी के थ्रू लोगों की हेल्प करेंगे तो अपना विजन देंगे कि हम चाहते हैं कि माशरे में सुकून फैले या जो भी चौथी चीज़ कंसिस्टेंसी के साथ आपने काम करना है कि जो सर्विस आपने पहली दफ़ा दी थी ना जिस क्वालिटी की जब पेशेंट आपका दूसरी दफा तीसरी दफा चौथी दफ़ा पाँचवी दफ़ा भी आए जब वो जिस तरह मैंने बात की कि उसके पर अभी पैसे नहीं थे आपने कहा कोई बात नहीं बाद में दीजिएगा लेकिन सर्विस ले लीजिए क्योंकि अभी आपको हमने टाइम डिसाइड किया है कि इतने दिनों बाद ही सर्विस लेनी है लाजमी ठीक है तो आपने क्या करना है कि अपनी सर्विस की क्वालिटी को कंसिस्टेंट रखना है और सेम रखना है और नाइन्टी नंबर पे स्ट्रेटजीज फॉर हेल्थ प्रमोशन क्या क्या स्ट्रेटजीज यूज़ कर सकते हैं न्यूज़पेपर में टीवी में स्कॉलरशिप दे सकते हैं जैसे हम इंस्टीट्यूट्स में देखते हैं फिफ्टी परसेंट पर इस्कालरशिप थर्टी परसेंट स्कॉलरशिप बिल बोर्ड लगवा सकते हैं मेंबरशिप uh, डिस्काउंट दे सकते हैं पब्लिक इंटरेस्ट स्टोरीज और सर्विसेज दे सकते हैं वर्ड्स ऑफ माउथ और आउटरीच सर्विसेज प्रोडक्ट एसोसिएशन फ्री प्रमोशनल आइटम्स बैनर्स ब्राउजर्स वो जो देने होते हैं ना सैंपल्स बांट रहे हैं नहीं मैम सैंपल है सैंपल ले लें और कुछ स्लोगन्स बना देते हैं जैसे अम्मा तलो में पकाओ हमें सब बनाओ है ना सुने इस तरीके से ताकि स्ट्रेटजीज क्या कि बच्चों के मुँह से जब लोग ये नाम सुनते हैं ना तो आपका प्रोडक्ट मशहूर हो जाता है जैसे अभी आपको जहन में बोलूँगी ना कोई सरफ किसी का नाम सोचें या किसी कैचअप का नाम सोचें तो दो तीन ब्रांड्स आपके जहन में फौरन से उभर के आएंगे वो इसलिए नहीं आएंगे कि आप जानते हैं वो इसलिए आएंगे क्योंकि आपने उनको कंटिन्यूसली बार बार सुना है और वो अपनी मार्केटिंग बहुत अच्छे से कर चुके हैं तभी आपके जहन में पहले फुर्सत में वो नाम आएंगे क्योंकि इसके अलावा मार्केट में सौ प्रोडक्ट्स और हैं लेकिन उनके नाम आपको नहीं आए इसे कहते हैं मार्केटिंग और उसकी स्ट्रेटजीज वो ये थी और ये थी हमारी इसकी आखिरी स्लाइड और फिजियोथेरेपी की मार्केटिंग uh, इन फिजियोथेरेपी भी कुछ इस तरीके की है एक थोड़ी सी डिफरेंस है उसको भी देखेंगे हम तो ये हमारी वीडियो मार्केटिंग हेल्थ एंड वेलनेस किस तरीके से करनी है वो यहाँ पर ख़त्म होती है थैंक यू सो मच